हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। रोज़ की तरह बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। आज हम लखनऊ से नैमिषारण्य की यात्रा में सभी हास्य क्लब के सदस्यों और मेरी बहनों और साथियों और देवियों के साथ जा रहे हैं, जिसमें हमने दो बसों में हम जा रहे हैं। हम लगभग 105 के लगभग लोग हैं। सभी लोग जो हैं तीर्थस्थल का दर्शन करने जा रहे हैं। और नैमिषारण्य के विषय में मैं आपको बताता हूं दोस्तों, यह जो है लखनऊ से 80 किलोमीटर की दूरी पर है और यह अति पुनीत साधक सिद्ध दाता के अनुसार 12 पुराण के अनुसार भगवान द्वारा निमिष मात्र में दानों का संहार होने से यह नैमिषारण्य कहलाता है। अधिक फलों की प्राप्ति का पावन स्थल नाम नैमिष पड़ा है। भगवान विष्णु के चक्र की नैमिष में गिरी थी। नैमिषारण्य वह स्थान है जहाँ ऋषि दधीचि ने लोक कल्याण के लिए अपने बैरी देवराज इंद्र को अपनी अस्थियां दान की थी। ऐसे प्रमाण हमारे शास्त्रों में विद्यमान हैं। और जब भगवान विष्णु ने सती देवी के शरीर को काटने के लिए चक्रबंध का इस्तेमाल किया था, तो इससे 51 शक्तिपीठ मंदिर बन गए थे। यह कथाओं की, हमारे पुराणों और पौराणिक कथाओं की भूमि है। भगवान ब्रह्मा, विष्णु, देवी सती और भगवान शिव को आपस में जोड़ने का पुण्य स्थल है। इसीलिए यह स्थान पवित्रता का प्रतीक है और यह एक अद्वितीय पुण्य स्थल है। यहाँ मुख्यतः 33 हिंदू देवी देवताओं का वास है दोस्तों। प्राचीन वन, जिसे हिंदू अपने तीर्थस्थल हिंदू अपना तीर्थस्थल मानते हैं, भगवान द्वारा निमिष मात्र में दानवों का संहार होने से यह स्थान नैमिषारण्य कहलाता है। भगवान के मनोरम चक्र की नैमि यानी हार यही गिरी थी। इसीलिए इसका नाम नैमिषारण कहलाता है। यह मंदिर तीर्थ हमारे शरीर में ऊर्जा, शांति व सकारात्मक सोच का प्रतीक है। मन और हमारे कार्यों की सफलता का द्योतक है। यहाँ सती जी का हृदय वाला भाग गिरा था दोस्तों। जब सती का उनके पिता द्वारा अपमान किया गया, तो सती ने अपनी आहुति अग्नि में दे दी थी, क्योंकि उनके पति को उस यज्ञ में नहीं बुलाया गया था। उनके पिता के द्वारा किए गए यज्ञ में नहीं बुलाया था, इसलिए सती जो है अपने विभिन्न अंगों में विच्छेदित हो गई और वही उनका जो हृदय वाला भाग था वह नैमिषारण्य में गिरा था। इसीलिए यह शक्तिपीठ कहलाता है। यह हमारी मान्यता है दोस्तों, यह हमारे पुराणों में विद्यमान है। और यहाँ पर ललिता देवी का मंदिर और व्यास पीठ और हनुमानगढ़ी और चक्रधाम और ये ऋषियों के महाभारत, यहाँ पर अनेक ऋषियों ने महाभारत की को सुनाया था और 88,000 ऋषियों और तपस्वियों का यह स्थल है। और गणेश जी ने यहाँ पर महाभारत को लिखा था दोस्तों। इसी क्रम में आज हम लखनऊ से सीतापुर जनपद के अंदर नैमिषारण्य स्थित
तीर्थ स्थल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और सभी लोग अपने अपने बसों में अपने अपने बस हमने दो बसें की हैं उस बस में हम यात्रा करेंगे। आगे की यात्रा का वृत्तांत तो दोस्तों मैं आपको झलकियां दिखाऊंगा। मैं इस यात्रा के संबंध में सबके मंगल भविष्य का कामना करता हूं। भगवान सबकी आस्था सब में और सबकी आस्था और सबके मनोभावों को पूर्ण करें, सबको मनोवांछित फल प्रदान करें। मैं परमात्मा से नैमित भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि सभी हमारे हासिक क्लब के जो भी तीर्थ यात्री जा रहे हैं सबका जीवन मंगलमय हो। मैं सबके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं। आगे दोस्तों जो भी हमारे रास्ते में जो भी प्रकार की हम अपना एक्टिविटीज़ करेंगे वह मैं आपको विस्तार से अपनी झलकियों के द्वारा दिखाऊंगा। आप देखिए और आनंद लीजिए। मैं आपको अंत तक दिखाऊंगा और आप इसका आनंद लीजिए। मैं पुनः एक बार तहे दिल से सभी हासिक क्लब के साथियों का अपनी बहनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इसी प्रकार हम अपनी यात्रा करते रहें। मैं इसकी पूरी झलकियां आपको दिखाऊंगा। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों आप देखिए हमने कितना आनंद लिया, किस प्रकार से हम कहां गए, पूरा विस्तार से मैं आपको बता रहा हूं। कीर्तन गा रहे हैं लोग, भजन कीर्तन हो रहे हैं, आप सोचिए। अगर आप पहले चले गए होते उसकी लाल बत्ती चलाई। आपका नैमिष धाम पहुँचे। ये नैमिष धाम में जो है आपके हैं और ये बस है, ये नैमिष धाम का मंदिर है दोस्तों। ये सामने जो है आपका जो सामने जो है आपका श्री वैष्णो देवी का आदि श्याम मंदिर है, राधा श्याम मंदिर है दोस्तों। आगे सबसे बढ़िया आगे चढ़ाने वाला प्रसाद अंदर मिलेगा। ये देखिए ये हनुमान जी का मंदिर है, देखिए ये बहुत ही बढ़िया है। पूरा यहाँ पर ललिता आश्रम है, ये सब कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सब आगे देखिए, ये सब झलकियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए Thank you.
ज्यादा लोग सुबह ही आते हैं, तो फिर आते हैं बाहर के लोग सुबह ही आते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग हनुमानगढ़ी में प्रवेश कर चुके हैं, यहाँ पर सब लोग अपना प्रसादी खरीद रहे हैं और भगवान जी को दर्शन कर रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। सभी लोग जो हैं इस तीर्थ स्थल का आनंद उठा रहे हैं मैं आपको पूरी झलकियाँ दिखा रहा हूँ कि नैमिषारण्य में हनुमानगढ़ी का वो है क्या महत्व है, उसको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर तमाम के लोग देखे, यहाँ पर लोग अपना नाश्ता कर रहे हैं और भंडारा तो लगा हुआ है, भंडारे में भोजन कर रहे हैं, देखिए भंडारा लगा हुआ है। ये हनुमानगढ़ी में भंडारा लगा हुआ है दोस्तों, भंडारे में जो है ये भंडारा लगा हुआ है, देखिए भंडारा कर रहे हैं। ये जो है और तो भूमि है, इसका जो है हनुमान मंदिर नहीं हुए थे, चलिए नहीं यहाँ नहीं हुए। ये देखिए यहाँ पर मैं पूरी झलकियाँ आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए जय हनुमान ज्ञान सागर जय कृष्णी। हम हनुमानगढ़ी की शिव जी में प्रवेश कर रहे हैं, देखिए अभी जय हो जय जय चलो आओ, देर हो जाएगी, पीछे हो रहा है लाओ बोलो। भगवान श्री कृष्ण, हाँ चलते हैं। हाँ हम आ चुके हैं, इधर आइए इधर, ये है चलो सर आगे फिर इनके जय हो भगवान।
सब चीज आ जाएगा। वहाँ देखा सब पानी हाँ वीर भद्र भर रहा है जय हो चंद लगा चंद लगा जरूरी है। सर्वंगल मांगलिक शिव साधिक शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सर्वे संत निरामया सर्वे भजन दक्षिण माँ कश्य दुर्गा रुभंग दे जग दे ये दधी जी कुंड है ये कुंड नहीं है हाँ तालाब कुंड तो वही था अच्छा अंदर सब खबर हो जाएगा। ये देखिए ये दधी जी कुंड है इधर पर आइए बहुत बढ़िया पूरी वीडियो आई जय देवेंद्र गिरी ऐसे कुछ नाम जय श्री राम। आप मेरी खींची आप लीजिए वो ऐसी ऐसी पकड़ लगे नहीं हाँ अब आए अच्छा दोस्तों यहाँ पर जो है हमने अतिथि भवन है चंद्रकला आश्रम है यहाँ पर हम लोगों ने जो है लंच ब्रेक किया और सभी लोगों ने आपस में मिलकर लंच किया और उसकी फ़ोटो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ देखिए और अब हम लोगों ने लंच किया और ये है आपका चंद्रकला आश्रम ये जो है नैमिषारण्य से करीब 2-3 किलोमीटर आगे है और यहाँ का दृश्य मिल करके यहाँ पर लंच किया और खाया तरह तरह के भोजन किया आपस में बांट करके खाया बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। अंत में मैं आनंद लेखनी ब्लॉग के माध्यम से आज नैमिषारण्य की यात्रा के विषय में अपनी मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ सभी हास्य क्लब के लोगों का को के मंगल भौसी की कामना करता हूँ। इसी प्रकार हम लोग आपस में अपना मनोरंजन करते रहें और मिलते रहें और इसी प्रकार आनंद उठाते रहें यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। मैं सबके मंगल भौसी की कामना करते हुए सबके मंगल भौसी की कामना करता हूँ। तहे दिल से श्री नैमिषारण्य जी का सबका आशीर्वाद बना रहे यही मेरी शुभकामनाएँ हैं। सबके मंगल भौसी की कामना भगवान सबको सद्बुद्धि दे अच्छा मार्ग दे। हम लोग इस प्रकार के आयोजन करते रहें और आगे और आपस में मिलते रहें यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा चीज है। देखो दोस्तों आराम से लोग आपस में मिल के खा रहे हैं अपना भोजन कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है ऐसा बहुत कम मिलता है। मैं सबके अंत में मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। सब सुख शांति रहें प्रसन्न रहें खुश रहें सबका जीवन आनंद रहे नैमिषारण्य भगवान का सबका आशीर्वाद रहे। अंत में सबको मेरा नमस्कार सबको सादर अभिनंदन। ये दाना में क्या खिलाते हैं ये जैसे दाना गेहूं का ऐसे ही साबुत मटर क्यों रही है चल आगे बढ़ पहले उधर बढ़ उधर बढ़ मारो नहीं मारो मारो मारना अपराध है आगे बढ़ आओ मारेंगे भाई सही अच्छा आ रहा ठीक है और है आप डरा रहे हैं ना आप नहीं तोड़ के
है आंख वो, है आंख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे, बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे, हीरे मोती मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे।
Thank you.